सो व्हाट्स अप गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ यामाहा की पवेलियन पर एक इंडिपेंडेंट शूट करने के लिए। तो शुरुआत मैं करता हूँ यामाहा के पवेलियन से, और यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला 155 cc का बिग स्कूटर कहा जाने वाला, मतलब बिग स्कूटर की सेगमेंट कैटेगरी में आने वाला एन मैक्स, जो कि अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च तैयारी पर है। या ये कहो कि हो गया है, अगर इन फ्यूचर मतलब आगे मैं वीडियो में डिक्लेयर कर दूँगा किस तरीके से ये लॉन्च हुआ है। 155 cc का ये एन मैक्स आप कह सकते हैं एरोक्स की कैटेगरी का है, और जो SR150 और एब्रिला SR और SXR की जो कैटेगरी का स्कूटर है उस कैटेगरी का ये स्कूटर है। और अभी यहाँ पर इसका इग्निशन ऑन करके मैं शायद नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है कि नहीं है यहाँ पर इसके फ्यूल का और सीट ओपन और लॉक अनलॉक का यहाँ से है, और ये यहाँ से ये इसका लॉक अनलॉक का कुछ इलेक्ट्रिकली सिस्टम है, और यहाँ पर छोटा सा ग्लोव बॉक्स दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली खुलेगा नहीं, ऐसे ही खुलेगा। यहाँ पर आप मोबाइल चार्जिंग लगा सकते हैं, ये रहा मोबाइल चार्जर। लेकिन इसमें जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला वो ये मिला कि चार्जिंग सॉकेट इसका इस जगह पे दिया गया है और ग्लोव बॉक्स दिया गया है इस जगह पे, तो इतनी लंबी वायर कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से शायद इसका भरा जाएगा फ्यूल क्या, ये जो बटन दबाएंगे वो ये फ्यूल खुल जाएगा इग्निशन लगने के बाद। दूसरी तरफ है आप फैसिनो से काफ़ी हद तक इसका जो डिज़ाइन है वो फसिनो से मिलता जुलता है, हालांकि फसिनो बहुत अच्छा रहा आगे में, अब ये गोल शेप में एक क्लासिक शेप में आ गया है, और यहाँ से इसका शायद फ्यूल जो जुपिटर नया वाला है उसमें भी इस जगह इसी जगह पर टैंक दिया गया था पेट्रोल का, अब इसका इस जगह पर ये रे ZR125 डार्क एडिशन ब्लैक क्रोम के अंदर, दूसरी FZX ये कुछ अलग सी दिखी जो इसकी फिनिशिंग है, आप जो आप देख रहे हैं पूरा क्रोम फिनिश में ये गाड़ी ये जो बाइक है यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, हालांकि अभी मार्केट में देखने को मिली, आई होप के 2024 में ये लॉन्च होगा हो गई है, इसीलिए यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ब्लैक में आपने देखी थी FZ ग्रे डार्क एडिशन में, और ये सामने MT07 बाइक MT03 FZ, और ये यहाँ आगे आपने R15 M तो देखी ही थी, ये फुल 40 बाइक है। आप इसका जो चैन सेट है वो देख सकते हैं किस तरह का है, इसका टायर साइज काफ़ी ह्यूज साइज का टायर दिख रहा है, और ये जो इसका पूरे चेसिस है पूरे एल्युमिनियम शेप के अंदर मोनोचॉक सेंटर में इसका कंट्रोल दिया गया है, और आमतौर पर इसका ये गियर लीवर यहाँ से पुश करेंगे, ये पूरे हाइड्रोलिक टाइप का कुछ गैस सिस्टम, और इंजन इसका काफ़ी बहुत बड़ा है, एयर इनटेक और ऑयल कूल सिस्टम यहाँ से दिया गया है, R15 M की बैजिंग दी गई है, और रियर फ्रंट साइड में आप डिस्प्ले साइड जो देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज साइज का डिस्प्ले है, और ABS के यहाँ पर स्लीपर दिए गए हैं, ये कुछ मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है इसके शॉकर दिए गए हैं, और ये फुल्ली कार्बन फिनिशिंग में आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा पिस्टन के इसके अंदर टायर गए हैं, क्योंकि यामाहा की जो बाइक है वो पिस्टन की दी गई है। अब उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो मोनो कार्बन फाइबर की फिनिशिंग है, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है, यहाँ पर एक DRL दिया गया है, फ्रंट में ही इसके जो लाइट दी गई है वो इस जगह पर दी गई है, ये आपको दिख रही होगी। हाँ, जो नॉर्मल यामाहा R15 आती है 2.25 lakh की रेट में, उसमें एक फ्रंट में यहाँ पर DRL दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है एक इस जगह पर DRL दिया गया है और एक इस जगह पर दिया गया है, और पूरी की पूरी कार्बन फिनिश में है, और इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो दी गई है वो इस जगह पर दी गई है ORBM के अंदर, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, और एडजस्टेबल का जो सिस्टम दिया गया है वो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट सा दिया गया है, इस तरीके से इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन जो यहाँ से है वो दिया गया है, और ये मैन्यू का जो आप डिस्प्ले की जो वो कंट्रोल करेंगे वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी R15 M की बैटरी यहाँ पर दी गई है, सीट जो है कंट्रोल मतलब एडजस्ट हो जाएगी, तो ये है यामाहा की R15 M फुल बॉडी बाइक, अराउंड 12 से 13 लाख रुपए की रेंज है इसकी।